अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। सिंदूर में ये एक चीज रखना बेहद शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलता है, और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, लेकिन इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ाव यानी कि दूरी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का भी एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाना जरूर चाहिए। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर एक, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों नंबर दो, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नंबर तीन, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना शुभ माना नहीं गया। दोस्तों नंबर चार, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने मांग पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें, इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों नंबर पाँच, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रही हैं, तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों नंबर छह, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है और ये अच्छा नहीं माना जाता, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिंदूर गिरने पर आपके पति को कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर पर माता पार्वती भी नाराज हो जाती है, तो अगर कभी सिंदूर गिर जाए तो आपको हमेशा माता पार्वती से क्षमा मांग लेनी चाहिए। दोस्तों नंबर सात, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बट भी सकता है। अगर आपको कभी किसी के आगे सिंदूर लगाना पड़े तो ऐसे में सर पर पल्ला जरूर कर लें। दोस्तों नंबर आठ, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं है, ये शुभ नहीं माना जाता। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों नंबर नौ, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके किसी नाली या सिंक में ना फेंकें, क्योंकि ऐसे में सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दे और ऐसे में माता पार्वती से आप जरूर क्षमा मांग ले, इससे सिंदूर गिरने का अपशगुन काफी हद तक टल जाता है।
दोस्तों नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा ले। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। दोस्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहती है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। समाज तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छुप कर रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती है। दोस्तों नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बेहद ही अशुभ बताया गया है। ऐसा करना आपके और आपके पति के बीच में दूरियां पैदा करता है। दोस्तों नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वो सिंदूर उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा वो सिंदूर आप लगाइए। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है और आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाले होते हैं वो आपकी मांग में सिंदूर लगा देते हैं मेकअप के समय, लेकिन ये भी अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को जानते नहीं है, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता है, फिर भी अगर आप उनसे सिंदूर लगवाते हैं तो ये सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाइए या फिर अपने पति के हाथ से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला है तो वो भी टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों अगर घर में आपकी आपके पति से बन नहीं रही या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाइए। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है, करवा चौथ या कोई तीज का त्योहार हो, तो इन मौकों पर आप अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है और सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ कर सकती हैं तो उसका फल आपको कई गुना मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो वहां का सिंदूर आप जरूर लेकर आइए। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है और इसे अगर कोई सुहागन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाए तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती है और ऐसी सुहागन महिला सदैव सौभाग्यवती रहती है तथा पति पत्नी के बीच का रिलेशन सदैव सदैव के लिए बना रहता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।